सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेटू चैनल। सो यार, हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट सी प्लस प्लस में कैसे लेते हैं वो चीज़ देखे थे। ऑल राइट, सो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग इस वीडियो में भी इनपुट और आउटपुट का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे और डीप में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग एक प्रोग्राम भी लिखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। एक एम्प्लॉय का बायोडाटा पूरा लेंगे, ठीक है, सारा चीज़ इनपुट लेंगे और उसको प्रिंट आउट करेंगे। ओके, और उसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे, एक न्यू फंक्शन सीखेंगे। ओके, इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है वो और उसको कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, और उस फंक्शन का नाम है गेटलाइन फंक्शन। ओके, लेट्स मूव इन आवर VS कोड। ओके, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए यार, आपको यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। और C++ पूरा मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ओके, इसमें डेली वीडियोस अपलोड मैं करता रहता हूँ, सो आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट मैं इस पर कवर करूँगा। ओके, सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड। सो आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, क्लियर दिख रहा होगा। सो हम लोग क्या करेंगे यार, सिंपली ये पहले तो हम लोग अपना कोड लिख लेंगे, बेसिक प्रोग्राम लिख लेंगे। ये आपको अब तो पता ही हो गया होगा क्या होता है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, मैं पहले कमेंट करता हूँ यहाँ पर। सो मैं इसमें क्या लिखूँगा, वी विल टेक द बायोडाटा ऑफ एन गूगल एम्प्लॉय। ओके, हम लोग एक बायोडाटा लेंगे, किसका, एक गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉय का। ओके, मतलब कि उसका नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उस किस कंपनी में काम करता है, उसने कब ज्वाइनिंग किया है। ओके, तो ये सारा हम लोग उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका बायोडाटा ले रहे होंगे। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे यार, हम लोग उसका नाम पूछेंगे कि उस एम्प्लॉय का नाम क्या है। ओके, तो यार नाम हम लोग किस टाइप के डाटा टाइप में स्टोर करेंगे, ऑब्वियस स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग टाइप इनपुट नहीं लिया था, बट मैं उसमें आज इंक्लूड करूंगा। सो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग क्या बनाता हूँ, डाटा टाइप, और उसमें मैं ले लेता हूँ वेरिएबल नेम। ओके, सो यार मैं यहाँ पे सी आउट करूंगा, क्या मैं यूजर से पूछूंगा इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ओके, ऑल राइट, एम्प्लॉय आई थिंक स्पेलिंग सही होगा, इंडेल। ऑल राइट, अब मैं यहाँ क्या करूँगा यार, सी इन कर दूंगा, अपने मतलब यूज़र से इनपुट ले लूँगा, क्या लूँगा, नेम ले लूँगा। ओके, सो यार हम क्या करते हैं यार, इसको थोड़ा इसको पहले प्रिंट आउट करते हैं। सी आउट, इसको यहाँ पे ले लेते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम मैं जो वेरिएबल बनाया था वहाँ पर इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। सो यार इतना हम लोग इसको प्रिंट कर देखते हैं, ठीक है। मैं सिंपली इनपुट लेता हूँ, यहाँ पर पूछेगा इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। सो लेट्स से मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ अपूर्व। ओके, अपूर्व। सो यार अपूर्व, मैंने जैसे ही नाम लिया, जैसे नाम अपूर्व कुमार है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस दूंगा, अपूर्व कुमार लूँगा, ठीक है, अपूर्व कुमार। सो जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पर, यार आ रहा है नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज अपूर्व। सो यार यहाँ पर जो हमारा कुमार है ना, वो आ ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग इनपुट देते हैं यूजर को, वो क्या होगा यार, ब्लैंक स्पेस जैसे ही आएगा ना, उसके बाद वाले सारे जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे सबको इग्नोर कर देगा, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गेट लाइन। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं यार, हम लोग उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। पहले तो गेट लाइन लिखेंगे, ऑल राइट, गेट लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे यार, यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो सीन लिखेंगे, समझ में आ रहा है, और कॉमा, किस वेरिएबल में यूजर से वो इनपुट स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं नेम में स्टोर करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं नेम लिख दूंगा और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब ये यूज़ करने के बाद यार, जैसे ही मैं यहाँ पर नाम में अपूर्व कुमार डालूंगा, लेट से मैं नाम रखता हूँ अपूर्व कुमार। ओके, अपूर्व कुमार। सो जैसे ही मैं इंटर डालूंगा, यहाँ पे नाम प्रिंट हो जाएगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज अपूर्व कुमार। सो यार अपूर्व मेरा काफ़ी अच्छा एक दोस्त है, ओके, दैट्स वाई मैंने उसका नाम लिया। सो अपूर्व कुमार यहाँ पर पूरा प्रिंट हो गया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गेट लाइन फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको ब्लैंक स्पेस को लेट से मतलब पहले हमारा ब्लैंक स्पेस जो था उसको क्या कर रहा था, कंपाइलर इग्नोर कर दे रहा था, ठीक है, मतलब वो
उसके बाद के जितने भी वर्ड्स थे उसको सारे को इग्नोर कर दे रहा था। तो जो गेटलाइन फंक्शन हम लोग जब यूज़ करेंगे, तो गेटलाइन फंक्शन यूज़ करने के बाद हमारा क्या होगा, दिस फंक्शन प्रिंट ऑल द वर्ड्स along with space, okay, स्पेस के साथ सारे वर्ड्स को ही प्रिंट कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। ओके सो यार हम लोग क्या किए, हम लोग नाम ले लिए यूजर से, समझ में यार। अब मैं क्या करूँगा यार, मैं चाहता हूँ कि यूजर से मैं पूछूँ कि वो किस कंपनी में काम करता है। ओके सो लेट से मैं एक कंपनी का नाम लूँगा, तो उसको भी मैं स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा, तो स्ट्रिंग में लूँगा और कंपनी का, लेट से मैं कंपनी करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यार, सी आउट करूँगा इंटर, यहाँ पे मैं एक इंटर लगाऊंगा और फिर क्या करूँगा यार, सी इन ले लूँगा, सिंपली सी इन कर दूंगा कंपनी। ओके तो क्या होगा यार, सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, जब मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारा इनपुट हो गया कंपनी का, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा यार, मैं यूजर से ये लूँगा, पूछूँगा कि वो जो हमारा एम्प्लॉई है वो उसका ज्वाइनिंग ईयर क्या है। तो मैं इसको लेट से इंट में स्टोर करता हूँ, ठीक है, इंट, इसको मैं इसमें वेरिएबल बनाता हूँ ईयर। ओके सो मैं सी आउट करूँगा इंटर इंटर द ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एम्प्लॉई, ओके ईयर ऑफ, और फिर मैं क्या करूँगा यार, सी इन ले लूँगा, यूजर से इनपुट ले लूँगा क्या अपना ईयर, जिस ईयर में वो ज्वाइन किया है। सो अब नेक्स्ट मैं क्या यूजर से इन डाटा ले रहूँगा, मैं यूजर से पूछूंगा कि उसका सैलरी क्या है। वैसे ऑब्वियसली सैलरी तो पूछना नहीं चाहिए, बट मैं पूछूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यार, सैलरी को लेट से मैं फ्लोट में स्टोर करता हूँ, क्योंकि मान लेते हैं वो GST भी बिल पे करता होगा, तो सारा सारा कट वोट के मान लेते हैं पॉइंट में आ रहा होगा, ठीक है। तो लेट से सैलरी है, और मैं यहाँ से सी आउट करूँगा इंटर, जो सैलरी होगा वो लाख में होगा, तो मैं यूजर से इनपुट ले लूँगा, ठीक है। यहाँ मैं एक सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यूजर से सैलरी इनपुट ले लूँगा, ऑल राइट। सो अब क्या करेंगे यार, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारा हम लोग सी आउट करते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा फाइनली अपना। सो नेम एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पे लिख दिया था, और दूसरा क्या था, कंपनी नेम। सो कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, कंपनी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी वेरिएबल मैं ये स्टोर किया था, एक इंडे लगा दूंगा, ओके। अब फिर मैं एक सी आउट करूँगा, उसमें क्या करूँगा यार, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि वो कब ज्वाइन किया था, किस ईयर में ज्वाइन किया था। सो यहाँ पे लिख दूंगा यार ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं ईयर को कॉल कर लूँगा, ठीक है, और एक इंडे लगा दूंगा। अब यहाँ पे एक सी आउट करूँगा उसका सैलरी, ओके। सो सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, और क्या करूँगा यहाँ पे, सैलरी कॉल कर लूँगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यार इसको और बेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे ये सारे फर्स्ट वाले को कैपिटल करता हूँ, नेम यहाँ पे सी कैपिटल करता हूँ, यहाँ पे जे जो है इसको कैपिटल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग गलत किया हूँ, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, ऑल राइट, सही है। और यहाँ पे सैलरी को भी कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो काफ़ी अच्छा दिखे। सो मैंने बताया था कि मल्टी कर्सर का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, आप टैब दबा कर यहाँ पर जहाँ जहाँ आप टैप करेंगे वहाँ वहाँ मल्टी कर्सर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये करूँगा स्पेस लगाऊँगा, ठीक है, ताकि एक स्पेस आ जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। सो यार यहाँ पर लेट से इंटर द एम्प्लॉय नेम ऑफ द इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय इसको सेव करते हैं, इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। हम लोग एम्प्लॉय का नाम इंटर करते हैं, तो लेट से अपूर्व का मैं नाम मेंशन कर लूँ, अपूर्व कुमार, ओके। सो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटर द नेम ऑफ द कंपनी। सो आई मुझे पता है कि अपूर्व काफ़ी अच्छा है कोडिंग में, सो मैं जानता हूँ कि उसको गूगल में जॉब मिल जाएगा, सो गूगल मैं इसमें इंटर करता हूँ उसकी कंपनी का नेम, ओके। फिर इंटर द ज्वाइनिंग ईयर,
ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एम्प्लॉय शायद यहाँ पे ऑफ होगा, ओके आप इसको सही कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एम्प्लॉय। सो उसका मेरा बैचमेट है तो वो 2024 में ज्वाइन कर रहा होगा। सो ये इंटर कर दिए, इंटर द सैलरी इन लाख, सो आई होप उसका सैलरी 1.5 लाख तो होगा ही, ओके। सो यहाँ पे इंटर करेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। सो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज अपूर्व कुमार, कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉय गूगल, ज्वाइनिंग ईयर ऑफ द एम्प्लॉय 2024, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 1.5 लाख। सो यहाँ पे इसको मेंशन कर देना चाहिए मेरे को 1.5 लाख, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी यहाँ पर एक डबल कोट में मैं लाख मेंशन करता हूँ ताकि वो सही रहे, ठीक है। और यहाँ पर जो ओ छूट गया था ना, कहाँ छूटा था हम लोग का ओ, ज्वाइनिंग ईयर, इंटर द ज्वाइनिंग ईयर ऑफ, ओके। सो अब हमारा कोड सही है, ठीक है। सो एक बार और रन करके देखते हैं इसको, इसको रन करते हैं, मैं नाम डालता हूँ अपूर्व कुमार, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी इज गूगल, इंटर द ज्वाइनिंग ईयर 2024, ओके। सो इंटर द सैलरी इन लैक, तो सो आई पुट 1.5 लैक, ओके। सो यहाँ पर आपको अच्छे से सारा डिटेल मेंशन हो। आई होप यार आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इनपुट एंड आउटपुट का, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, कैसे हम लोग आउटपुट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर आप गेटलाइन फंक्शन के बारे में भी जान गए होंगे कि इस वीडियो के बाद कैसे गेटलाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू दिस प्लेलिस्ट टू योर फ्रेंड।